The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Fat loss ke liye full day kya khana hai? Ab baat sunte hain. Aap basics yaad rakhiyega. सबसे पहले अपनी कैलोरीज गिननी है, वेट को 28 से मल्टीप्लाई करना है और उतना जो भी आएगा वो आपकी टारगेट कैलोरीज है। उस टारगेट कैलोरीज में 1:2 प्रोटीन, 1 प्रोटीन 2 कार्ब्स एंड 0.5 यानी हाफ रेशियो में आप फैट्स लेंगे, राइट? ये रेशियो में। तो अब खाने में क्या खाएं? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जितना मर्जी खा सकते हैं वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप लिटरली अनलिमिटेड खा सकते हैं पेट भरने के लिए। सैलेड से लेके देखिए, कच्ची सब्जियां बहुत अच्छा विटामिन्स होते हैं, लेकिन पकी हुई सब्जियों में कोई बुराई नहीं है। आधे थोड़े बहुत विटामिन्स कम होते हैं लेकिन कुछ तो है। सो पकी हुई सब्जियां खाइए। मैं अपने पेशेंट्स को आधा किलो कच्ची सब्जियां सैलेड्स, आधा किलो पकी हुई सब्जियां रोज खाने को बोलता हूं। एक किलो वेजिटेबल्स मिनिमम। और भूख लग रही है और खा लो, 2 किलो खा लो, 3 किलो खा लो, 4 किलो खा लो, आई डोंट केयर। दैट्स व्हाट इज द बेस, वेजिटेबल्स। दिन में 2 फ्रूट जरूर खाने हैं, 2 फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट है, वेजिटेबल जो भी सीजनल वेजिटेबल है, जो भी सीजनल वेजिटेबल सीजनल फ्रूट है वो खाएंगे। वेजिटेबल में आलू को नहीं या कम खाएंगे, बाकी सारी वेजिटेबल जितनी मर्जी खाइए, आलू छोड़ के। हो गया ये, सेकेंड हो गया फ्रूट। थर्ड चीज है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वेजिटेरियंस के अंदर प्रॉब्लम यह है कि मेन जितने भी प्रोटीन सोर्स है उनमें कार्ब्स भी हैं। नॉन वेज में चिकन में मटन में फिश में कार्ब्स नहीं है, सो इनको सिर्फ प्रोटीन या प्रोटीन प्लस फैट रहेगा उसमें, तो उसका वहां से सोर्स मिल जाएगा। एग में भी प्रोटीन प्लस फैट, कार्ब्स नहीं है, लेकिन यहाँ वेजिटेरियंस में कार्ब्स ज्यादा है, तो 1:2 कार्ब्स मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दाल में ले लो तो उसमें जो रेशियो है कार्ब्स का वो 1:7 का आ रहा है। 1 कार्ब्स का रेशियो, कार्ब्स प्रोटीन 1 है तो 7 कार्ब्स हैं। आटे में चावल में 10 का है, 10:11 का रेशियो है, तो इतने सारे रेशियो में आपका तो पूरा रेशियो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेगी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। कैसी चीज़ें? सोया, 50 से 100 ग्राम सोया रोज, सोया जो बट्टी आती बड़ी आती है उसकी, सोया की बड़ी जो सोया चंक्स आते हैं, दैट 50 to 100 grams। मिल्क, कौन सा? स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क, उसमें 1:1 रेशियो है कार्ब्स और प्रोटीन का, 1:1, ऑलमोस्ट 1:1। सो वो अगर आप 1 से 2 किलो आप दूध लेते हो स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क, तो आपका प्रोटीन और कार्ब सेम हो जाएगा। तब आप दूसरी चीज़ें खा पाओगे जिनमें प्रोटीन और कार्ब का रेशियो ज़्यादा, कार्ब रेशियो ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत दाल, दिन में 2 बारी दाल और 1 रोटी, दिन भर में 1 ही रोटी, 1 ही बार चावल, या तो रोटी खा लो या चावल खा लो या राइस खा लो या जो मर्जी खा लो, 1 ही अनाज वाली कोई भी चीज़, नो बेकरी, नो बिस्किट्स, नो उल्टी पुल्टी चीज़ें, नो या तो पिज्ज़ा का 1 स्लाइस खा लो, सिंपल है, रोटी अनाज से बनी हुई एक ही चीज़ खानी है पूरे दिन में, कुछ भी करके। दिस इज हाउ यू विल लूज वेट। कार्ब्स कम, शुगर्स बन, नो मीठी, नो गुड़ चीनी शक्कर, नो क्या बोलते इसको, शहद है मिश्री, नो नथिंग। स्वीट चाहिए, मीठा खाना है तो फीकी चीज़ बनाओ, फीकी खीर बनाओ, फीका गाजर का हलवा बनाओ, फीकी आइसक्रीम बनाओ, उसमें शुगर फ्री नेचुरा स्टीविया डाल के खाओ। ये खा सकते हैं, कितनी? 6 से 8 टैबलेट, 6 से 8 सैशे एक दिन में मैक्सिमम। ये सेफ लिमिट के भी बहुत नीचे है इसलिए बता रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू गो। सेफ लिमिट कितनी है? 100 के आसपास सेफ लिमिट है, बट इतना सबसे कम है, ठीक है? तो इतने में आप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स में फ्रूट्स हैं आपके, पानी 3 से 4 से 5 लीटर पानी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो फैट को मेटाबोलाइज होने में पानी ज़्यादा लगता है। सारे केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में पानी से होते हैं, सो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विड ज़रूरी है। पानी नहीं पिया जाता तो दूध ले लो, स्किम्ड मिल्क दूध पानी के जैसा है, 2 लीटर पी लो, राइट? आप छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, दही पी सकते हो, शक्कर डाले बगैर, शक्कर के बगैर या शुगर फ्री डाल के। जी हाँ, शुगर फ्री इतनी ख़राब चीज़ नहीं है। वज़न कम करना है तो आपको लेना पड़ेगा, शक्कर बंद करनी पड़ेगी, इसी से चेंज होगा, राइट? और फुल डे डाइट की बात कर रहे हैं,
तो फुल डे डाइट में आपने सुबह उठ के, अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो रात को स्प्राउट करके दालें रखिए, सुबह उठ के स्प्राउट्स खा लीजिए, स्प्राउट्स में थोड़े फ्रूट्स डाल लीजिए, आप चने भी खा सकते हैं, मूंगफली भी खा सकते हैं, सुबह उठ के आप किसी प्रकार की दाल का बना हुआ चीला भी खा सकते हैं। जी हाँ, वो चीला थोड़ा सा तेल होता है, लेकिन आपके पास 50 ग्राम तेल है खाने के लिए तो वो 50 ग्राम तेल को थोड़ा गर्म करके भी खा सकते हैं, उसमें चीज़ पका के भी खा सकते हैं। तो 50 ग्राम तेल इंस्टेड ऑफ ईटिंग घी बटर मक्खन मलाई, आप थोड़ा सा वहाँ पर पका के खा सकते हैं। जी हाँ, आप उपमा भी खा सकते हैं एक बार सुबह, अगर आपने खाना है अनाज में एक ही चीज़। पनीर ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, मिल्क में बादाम, अंडे और क्या नाम है, केला, ये सब डाल के शेक बना सकते हैं। चॉइस इज योर्स, कॉन्सेप्ट समझिए, क्या नहीं डालना है क्या डालना है। फ्रूट डाल सकते हैं, सैलेड डाल सकते, फ्रूट सब्जियां डाल सकते हैं, अंडे डाल सकते हैं, नॉन वेज डाल सकते हैं, अगर नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पीनट बटर डाल सकते हैं, आप उसमें दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कम से कम मिनिमल ऑयल में पका सकते हैं, उनको स्टर फ्राई होता है यानी, और या ग्रिल कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सिर्फ क्या मना है, अनाज, अनाज दिन में एक बार सुबह खा लिया तो रात को नहीं, शाम को नहीं, दोपहर में नहीं। और दिन में कितनी बार खाना है, दिन में खाना खाने की कोशिश करिए 4 से 5 बार। एक बार में कम खाइए, कम खाएंगे तो 4 से 6 घंटे में भूख लगेगी, थोड़ा और डेफिसिट में जाएगी बॉडी, भूख लगेगी 4 से 6 घंटे में, फिर खाइए। हर बार जब खाते हैं प्रोटीन पर ध्यान देना है। अगर आप इवन टारगेट देखें कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 100 ग्राम आ रही है, तो 100 ग्राम प्रोटीन 6 बार में, 5 बार में डिवाइड किए तो मतलब हर बार 20 ग्राम प्रोटीन खाना है। 20 ग्राम प्रोटीन आसान नहीं है, 20 ग्राम प्रोटीन आसान नहीं है। 100 ग्राम कच्ची दाल में भी 7-8 नहीं, 100 ग्राम कच्ची दाल में भी 17 ग्राम प्रोटीन होता है, 20 नहीं होता। और 100 ग्राम कच्ची दाल में पूरा घर खा जाएगा, पकी हुई दाल जी। सो दाल में भी इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको जितना आपको चाहिए। तो आपको पनीर लेना ही पड़ेगा, आपको टोफू लेना ही पड़ेगा, आपको सोया लेना ही पड़ेगा, आपको या तो फिर प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा और B12 भी लेना पड़ेगा। सो प्रोटीन पूरा करना इतना आसान नहीं है, इतना और मुश्किल भी नहीं है, राइट? सो इस तरह से आपने अपना प्रोटीन पूरा करना है मॉर्निंग में। आफ्टरनून में आप दाल खा सकते हो, आप आफ्टरनून में अगर नॉन वेज हो तो चिकन खा सकते हो, मीट खा सकते हो, फिश खा सकते हो, कोई बात नहीं, गर्मी में भी खा सकते हैं, पानी पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल मात्रा में पानी रहिए, बाहर के टेम्परेचर से बचिए, धूप में मत खड़े रहिए, बस फिर खा सकते हो। अगर आप दूसरी चीजें खाना चाहें, आप उसमें ग्रिल्ड पनीर टिक्का ले सकते हो, घर में पका हुआ पनीर की भुर्जी ले सकते हो, आप साथ में सैलेड्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, आप अपने सैलेड में पनीर सैलेड ले सकते हो, पनीर काट के सैलेड में डाल के खा सकते हो, आप बहुत कुछ, आप दाल खा सकते हो, राइट? दाल खा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। बाकी रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, ठीक? थर्ड चीज़ रात को फिर बची, रात को आपने दूध यानी मिल्क, और रात को दूध केसिन प्रोटीन ज़रूर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बीच में, इन दोनों के बीच में, लंच के और डिनर के बीच में, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में स्नैक लेना है। स्नैक में आप एक फ्रूट ले सकते हो, केला ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मीठे फ्रूट से। हाँ, अगर कोई फ्रूट अति मीठा लग रहा है तो हो सकता है उसमें शुगरी इंजेक्शन लगाए हो, वो फिर अति मीठा ना खाएं, नॉर्मल नेचुरल मीठा आपको पता चल जाएगा खाने पे। सो मोटे होने के की पतले होने के की बेनिफिट्स बता रहे हैं, की रीजंस, फुल डे डाइट को समझिए। शाम को आप क्या बना सकते हो, शाम को सबसे अच्छी चीज जो आपको खानी है वो है दूध दही पनीर लस्सी छाछ। दूध दही पनीर लस्सी छाछ, दही में आप कुछ भी डालिए, दही में आप थोड़ा सा फ्रूट्स डाल सकते हैं, दही में आप लिटरली वेजिटेबल्स काट के भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स वो बन जाता है। आप सैलेड खाइए थोड़ा सा, जैसे हाँ सुबह दोपहर शाम सैलेड खाइए, या कोई भी सब्जी बना के खाइए, सब्जी बनाइए और उसको आधी रोटी के साथ खाइए, आधी रोटी सुबह खा लीजिए, आधी रोटी शाम को खा लीजिए, जब जी सब्जी ज़्यादा खाइए, या आधी कटोरी चावल सुबह खा लीजिए, आधी कटोरी चावल दाल रात में खा लीजिए, इतनी से चावल लेके इतनी सारी दाल खा लीजिए, उसके साथ थोड़ा दही थोड़ा सलाद खा लीजिए। सो इस तरह रात को खा लो चाहे दोपहर को खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपको अपने सिर्फ माइंड में रेशियो रखना है भाई साहब, वरना मैं कहूँगा सुबह ओट्स खाना है तो साल साल भर ओट्स खाओगे, ऐसा नहीं। मैं कहूँगा रात को ये लेना है तो साल भर वो लाओगे, नहीं। सो फुल डे ऑफ डाइट ईटिंग में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया, अपनी डाइट खुद बनाओगे, खुश रहोगे, पतले रहोगे। सो ये कॉन्सेप्ट अगर याद रह गया तो उससे बेटर कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसके लिए भी एक हमने जैसे आपको बताया IFCT, इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स, आप डाउनलोड करेंगे
उस इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल में आपको पता चल जाएगा कौन से खाने में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट, कितना क्या चाहिए, वो सब कुछ है उसमें पता चल जाएगा इजीली। फर्स्ट ही चार्ट उसी का है। और नहीं समझ आ रहा तो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो हमारे वीडियोस उस पे मिल जाएंगे। सो ये हुई बात सारी फुल डे ऑफ ईटिंग की। पांच मील कम से कम खाने हैं, दो स्नैक्स होने चाहिए, तीन प्रॉपर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है कि 7 बजे के बाद नहीं खाना, 7 बजे के बाद खाना है। आप टोटल कैलोरीज कम खा रहे हो, आपको रात को पनीर रहेगा, रात को प्रोटीन मसल में बचाने का काम करेगा, मसल्स मेंटेन होंगी, तभी बिना एक्सरसाइज के भी मसल बच सकती है, वरना कंधे हो जाएंगे छोटे छोटे और पतले तो होंगे लेकिन लकड़ी बन जाओगे। हमें लकड़ी नहीं बनना, हमें हेल्दी बनना है, हमें मसल बचानी है, हमें फैट लॉस करना है। सो इसके लिए यही तरीका है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा।